सर अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, इस स्लोगन पर पुलिस है किस प्रकार से काम कर रही है? मतलब ये दृढ़ वाक्य है और हम बिल्कुल उसी भावना से काम कर रहे हैं, और जो भी समय समय पर चुनौतियाँ आती हैं उसकी पालना, उसके जो भी हमारे को काम करना होता है जिस तरह से उस तरह से करते हैं। अभी आपने देखा भी होगा सरदार सर में एक ब्लाइंड वंडर हुआ था, और कुछ भी संदेह थे लेकिन खुलने में समय लगा और उसका खुलासा भी किया। ऐसे जो भी कभी बड़ी चुनौती मिलती है तो पुलिस उसी हिसाब से काम करती है, और हमको ये समझना चाहिए कि रेडीमेड सॉल्यूशन बाजार में तो मिलता नहीं है, कई बार जल्दी सफलता मिल जाती कई बार विलम्ब होता है, और हमारी मंशा पर किसी को शक नहीं करना चाहिए। जब कोई बड़ी चुनौती होती है तो जाहिर सी बात है कई बार प्रोसेस लंबा हो जाता है। सरदार शहर में पिछले दिनों जो भी एक दो बड़ी घटनाएं हुई कि कोई पुरानी करेंसी की नोट को हुई थी, पुलिस ने खुलासा किया, कुछ मुंजन पकड़े, कुछ बचे हुए हैं उनके पीछे लगे हुए, तो ये है हमारा उद्देश्य। और पिछले सालों के अपराध में टोटल थानावाइज मुझे नहीं पता, रेंज में भी और जिलों में भी कमी आई है, एक दो सेक्शंस हैं जिसमें बढ़ोतरी हुई है, खास करके महिला अत्याचार में, उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं किन कारणों से हुआ है, और इस साल में आने वाले साल में हम उसमें कमी लाने का प्रयास करेंगे। सर आम लोग पुलिस के करीब आने से थोड़ा भय खाते हैं, जो अंग्रेजों के ज़माने से भी चली आ रही परंपरा के अनुसार है, तो इसके लिए पुलिस ने दूर करने के लिए पिछली बार कबड्डी का आयोजन किया था, इस प्रकार से पुलिस आम जन से जुड़ी रहे, आम जन पुलिस को अपनी मित्र समझे, इस मामले में आगे किसी प्रकार की कोई योजना है? देखो ये जो परसेप्शन है ना, ये केवल पुलिस की तरफ से केवल नहीं है, आम जन के में भी गलत परसेप्शंस हैं, और मीडिया भी बार बार इन चीज़ों को कहके, जबकि जितनी भी स्टडीज हुई हैं उस स्टडीज का जो निचोड़ ये है कि आमजन जितना समझती है कि भय या थाने में जाने से डरती, ऐसा है नहीं, ये प्रचार ज़्यादा है और खास करके मीडिया में ज़्यादा प्रचार है, लोग आते हैं, पर मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत है इशूज हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल इशूज हैं थोड़ी बहुत, पर इतना भी नहीं है, अब वो समय नहीं रहा कि कुछ हो जाए और थाने में नहीं आए मुकदमा दर्ज कराने, आते हैं पर थोड़ा सा शंका होता है लोगों को कि पता नहीं बिना सिफारिश कराए या बिना कुछ कराए पूरी तरह से काम होगा कि नहीं, पर होता है, ऐसा नहीं है, होता है, और लगातार ये चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उसमें सुधार करेंगे, और तरह तरह के प्रयोग होते हैं, केवल कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी वो एक माध्यम था, और भी कई माध्यम है, CLG के माध्यम से होती है, तो सामाजिक सरोकार होते हैं, मेले या यात्राएं या और भी दूसरी तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें पुलिस की भागीदारी होती है, स्वच्छता अभियान होते हैं उसमें हम पुलिस को जुड़ते हैं, सफाई अभियान होता है उसमें जुड़ते हैं, तो उस कुल मिला के ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम भी समाज के ही लोग हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, हम अलग नहीं हैं, जब हम इस ढंग से सोचेंगे तो अपने आप समस्या का समाधान निकलेगा। सर ब्लाइंड मर्डर को लेकर पुलिस ने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी लेकिन रिजल्ट आने में 10 दिन लग गए, और जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको आपके स्तर पे सम्मानित किया जाए तो पुलिस का मनोबल बढ़ेगा? 10 दिन में हो गया, ये इस चीज को क्रेडिट के रूप में लेना चाहिए, ब्लाइंड मर्डर में कोई, मैंने आप पहले ही कहा पहली लाइन में कि बाजार में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, जाके खरीद के ले आइए, ब्लाइंड मर्डर खोलने पड़ते हैं, और जो आदमी मैक्स मुख्य संदेह में था वो पहले दिन से हमारे नज़र में था, हम लगातार पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उठने में किसी से चीज़ें निकालने में समय लगती है, जब तक कि आपके पास उस आदमी के विरोध में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं हो, आदमी कोई नहीं बताएगा कि मैंने मर्डर किया है, तो तरीके होते हैं, समय लगता है, कई बार 10 दिन, कई बार 10 महीने लग जाते हैं, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जब चुनौती होती है तो हम उसी रूप में लेते हैं, आपको बताया कि इतनी बार SP साहब यहाँ आए, कितनी बार मैंने बात करी सारे अधिकारियों से, दो दो एडिशनल SP कायम कर रहे थे, तो मंशा हमारी देखनी चाहिए, समय तो लगेंगे, कोई 24 घंटे खुल जाते हैं, कोई 24 दिन लगते हैं, और 1-2% ऐसे होते हैं कि नहीं भी खुलते हैं, चाहे कोई भी बड़ी एजेंसी हो सभी को असफलता मिलती है इसी में,
जरूरी नहीं कि 100% सफलता मिले, पर हमारा मंशा होता है जब चुनौती आती है तो हम उस चुनौती का उसी रूप में लें, और सबको अच्छा लगता है कि कोई चुनौती आई तो हम खुलें। तो आज पुलिस की वाहवाही भी उसी में होती है जब हम खोलते हो। तो कौन ऐसा आदमी है जो चुनौती से घबरा के भाग जाएगा और वाहवाही लेना नहीं चाहेगा? सर, गणतंत्र दिवस पे मतलब अच्छा काम करने वाले सरदार सर पुलिस के कुछ लोगों को सम्मानित किया जा सकता है क्या? नहीं, हमारी एक प्रक्रिया है, वो पुलिस में पुरस्कार देने की एक अलग प्रक्रिया है, हमारा सिस्टम अलग है। हम हर जगह जा जाके नहीं लेते, हमारे सर्कुलर्स भी जारी किए हुए हैं, यूनिफॉर्म फोर्स के लोग हैं तो डिसिप्लिन के तहत दी जाती है। हमारे यहाँ पुरस्कार देने का अलग परंपरा है, SP देते हैं, मैं देता हूँ, DG साहब देते हैं, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होते हैं, केवल कुछ मौकों पर कुछ लोगों को प्रशस्ति पत्र दे देने से ठीक है, उनको मिल जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हम उस चीज़ को बहुत बढ़ावा नहीं देते हैं। जो हमारे सिस्टम में जो पुरस्कार देने की परंपरा है, हम उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं।